सुन गे पगली तोरा बिना जीबो हम जिंदगी कोना कोना। सुन गे पगली तोरा बिना जीबो हम जिंदगी कोना कोना। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती कुन दिन फुल्ने हो। मालाई सम्झेरा संसारलाई तिमी कुन दिन भुल्ने हो। मोनामार पारे ना जे भूलते तोमाके, भालो बेसे केनो तुमी रेने ना। सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। हमरो हो बेटी ले जई है हमरो काढ़ी के करे जी है रे बेटा। हालो गवा की है रे बेटा हालो गवा। ऊपरा से मांगेला दहेज हाय रे बेटा हालो गवा। मातारी कहतरी लेकी के अच्छे कलाकार हैं, इतने अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, इतने भाषाओं के जानकार हैं, फिर भी आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये विडंबना है कि मैथिली ठाकुर भी गाती है तो लोग उनको प्यार आशीर्वाद दे के ही उस ऊंचाई पे पहुंचाए हैं। मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीजीएन एक सच। आज मैं टी सीरीज के जाने माने कलाकार मुकेश सिंह मनमौजी के साथ मौजूद हूँ और इनकी तारीफ मैं क्या करूँ, ये कम से कम 8-9 भाषा बोली में जो है गाना गाते हैं। जैसे हमारे भोजपुरी तो छोड़ ही दीजिए, भोजपुरी में तो गाते ही हैं, अंगिका, मैथिली, मगही, बंगाली, नेपाली, बहुत सारा है, हिंदी भी गाते हैं। और ऐसे कलाकार का आज स्थिति यह है कि कोई जल्दी पूछता नहीं है, इसलिए नहीं पूछता है ना कि अभी चुटपुटिया कलाकार बहुत सारे हो गए हैं और चुटपुटिया कलाकारों का जो है आए दिन आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई ना कोई नया विवाद खड़ा करते हैं और अपने आप को वायरल करते हैं। 5 दिन तक वो वायरल रहेंगे, 6ठा दिन है उनका नामो निशान इस समाज से मिट जाएगा, फिर वो कहाँ हैं, किसी अंधेरे बंद कमरे में अपना पड़े रहते हैं। लेकिन अगर इन जैसे लोगों को अगर सामने हम लाते हैं, इनके बारे में हम समाज को के सामने प्रस्तुत करते हैं तो एक बदलाव होगा हमारी भोजपुरी में भी, जो भोजपुरी की इतनी हे दृष्टि से देखते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं, गंदे अपशब्दों से नवाजा जाता है हमारे भोजपुरी बोली को। और बोली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बोली ही है, बिहार में बहुत सारी क्षेत्रीय बोली हैं, भाषा तो केवल हिंदी है हमारे बिहार की। चलिए स्वागत है मनमौजी जी हमारे चैनल। नमस्ते, और हमारे तमाम भाई बंधु श्रोता जो भी देख रहे हैं सभी लोग को मेरा प्रणाम। अच्छा, आप इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, इतने भाषाओं के जानकार हैं, फिर भी आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये विडंबना है? बस इतना ही समझ लीजिए सर कि अपना भी कुछ 8-10 साल अगर संगीत को मैं दिया तो अपना भी कुछ बनता है कि मेरा फ़र्ज कि मैं क्या निभाऊँ। लोग तो बहुत सारे कलाकार को मैं देखा हूँ कि बस ये बारिश के मौसम की तरह जो है ना है कि बरस जाता है, 1-2 गाना गीत बन जाता है, उसके बाद से फिर जो है वो कहाँ पर जो है भूल। बट इतने समझ लीजिए कि इन लोगों का जो है भोजपुरी में जो अभद्रता से जो है मैं खुद अपने आप को डिस्टर्ब में मानता हूँ कि भाई ये लोग क्या फैला रहे हैं, संगीत का ना कुछ नॉलेज लिया है, कुछ भी गा देना है जो है दब जा रहा जी है। बस यही है कि हम लोग गाते हैं तो बस 500,000 आदमी देख लिए बहुते हैं तो क्या कीजिएगा, मगर सोचते हैं कि नहीं, सच्चाई की जीत होती है और अच्छे कलाकारों की हम लोग जो है बस कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब जिस दिन पब्लिक का जो है मूड घूम गया उन अभद्र वाले सिंगरों से, समझ लीजिए कि उस दिन बेड़ा पार ही है भोजपुरी में पूरन के चौरापंथ। अगर अच्छे सिंगर को सुनने वाले आज भी हैं, इसलिए जो है मुझे गर्व है कि मैथिली ठाकुर भी गाती है तो लोग उनको प्यार आशीर्वाद दे के ही उस ऊंचाई पे पहुंचाए हैं, तो एक ना एक दिन जरूर जो है मेरा भी बाड़ी आएगा, इसी इंतजार में हूं मैं।
चलिए एक एक हो जाए अंगिका कैसे जी, मैथिली का एक मैं सॉन्ग गाता हूँ, अंगिका मैथिली बड़ी हिट सॉन्ग है वहाँ का। अच्छा। सुन गे पगली तोरा बिना जीबो हम जिंदगी कोना कोना, सुन गे पगली तोरा बिना जीबो हम जिंदगी कोना कोना, जखम देले सनम गे खोज ले ले तू बलम गे जीबो त जीबो कोना, कैले रही वादा बदल ले इरादा हम मर जेबो तोरा बिना, सुन गे पगली तोरा बिना जीबो हम जिंदगी कोना कोना। बताइए इतने सुंदर आवाज, इतने सुंदर कलाकार, और ये समाज में लोग जो देख रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, वो मेढक की बरसाती मेढक की तरह जो आ रहे हैं टर टर दो चार दिन की तरह कर रहे हैं, फिर वो नापाता हो जा रहे हैं। है मतलब मैंने भोजपुरी में तनी हम बोला था नहीं कि पुरानका चौरा पंथ होई। सबसे बड़ी बात बाकी देखी कि हमार भोजपुरी के ऐसा श्रोता बाकी बर्दाश्त के ऊपर जब सीमा जब पार हो गई बा, अब एकनी के अंत होके जा रहा बा, अब फिर उस वही भोजपुरी के झनकार जन बाटे लोग सुने खातिर बेचैन बा कि भाई ये लोग का कह धैले बा। आप माँ बहन के सामने में कोई भोजपुरी गाना अगर प्ले कर देता है तो खुद को शर्मिंदा होना पड़ता है कि आप क्या जो है ये गाना बजा रहा है, और इस पर जो है धीरे धीरे पब्लिक जो है अपना इग्नोर कर रहा है। बस यही नेपाली आइए सुनाते हैं। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती कुन दिन फुल्ने हो, मलाई सम्झेरा संसारलाई तिमी कुन दिन भुल्ने हो, हे तुलसी आँगन मारो पौलाई जीवन भरी छाती मा राखी मायाले छोपोला, तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती कुन दिन फुल्ने हो। एक लड़का लड़की से बोल रहा है कि तुम्हारे नहीं आ रहा है कि तुम्हारे तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती, तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रीति अच्छा प्रेम जो प्रेम कुन दिन फूलने हो, किस दिन जागृत होगा, मालाई समझे रहा मुझे समझने के लिए संसार लाई तीमी, संसार को तुम कुन दिन भूलने हो, संसार जाल में पड़े हो कि मम्मी का कोई पापा का कोई या लड़का बेचैन बा कि भाई हम तो प्यार कोई ले बने तो ब्याह इन करे से करे, यह अपन व्याख्या करो तो लड़का ये भाव रहे। अच्छा लगा कि मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है कानों को सुनने में, लग रहा है। थैंक यू। अच्छा अब बंगला भी गाते हैं जी, बंगला भी गाते हैं, बस आप लोग का आशीर्वाद है प्यार है, थोड़ा दिखाइए सारी जादूगरी अपनी अद्भुत है आप तो। ये मेरा ही एल्बम है जो मैं अभी जो गा रहा हूँ बंगला, ए मोन अमार, उसका सैड सॉन्ग ही मैं गाया था। हे मोना मार पारे ना जे भूलते तुमाके, भालो बेसे केनो तुमी कोरले छोलो ना, होए छे कि भूल बोलो ना, हे मोना मार पारे ना जे भूलते तुमाके, हे मोना मार पारे ना जे भूलते तुमाके। ये मन जो है लड़की को जो भूल नहीं पा रहा है यही बोला है कि तोमा के अभी भूलते पारते सी ना, होए छे कि भूल बोलो ना, की करछो आमी की भूल करछी तुम्ही बोलो, आप बोलो कि मैं क्या गलती किया हूँ। बस यही था।
अच्छा जी। और कितने भाषाओं में अपने कुछ सुनाइए ना, आप तो हम पूछना भी भूल जा रहे हैं। सब क्या मैं सुनाता हूँ, एक मेरा शिवरंजनी राग का एक किशोर कुमार का गाना है जी जी। और किशोर दा का मैं बहुत सारे गाना का जो है बहुत सारे गाना क्या मैंने उनका जितना भी गाना है सब अमर ही है जी जी। उसमें का एक गाना है ये जी। हो मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है एक कहानी है, अब सोचूं क्या भूल के भी है, अब सोचूं नहीं भूले ओ सावन के झूले, रुत आए रुत जाए देखकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं थोड़ा सा, जो भी तमाम दर्शक है ना, कि भाई साहब अगर आप लोग ऐसे कलाकार का समर्थन करेंगे, ऐसे चीज़ों को आप पसंद करेंगे, तो मैं भी आप सबसे वादा करता हूं कि ऐसे ऐसे कलाकार को मैं आपके सामने लाऊंगा जो पुराने कलाकार हैं, जो हमारे धरोहर हैं। आवाज़ से देखिए ये कितने बुलंद आवाज़ है, किशोर दा का गाना जो है इतने अच्छा तरीके से इन्होंने गाया। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज उनका नाम डूब चुका है, उनको कोई जानता नहीं है, ये सब चुटपुटिया कलाकारों के वजह से। दो दो दिन वाले जो स्टार हैं ना, उन लोगों के चलते आज ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इन लोगों के सुनने वाले देखने वाले लोग नहीं है क्या भैया? बस है? आप लोग का आशीर्वाद रहा, प्यार रहा पब्लिक का, अगर दर्शक चाह देंगे तो बिल्कुल जो है जय जय रहेगा, बस प्यार जो है आशीर्वाद बस बनाते रहें उतने ही जय जय रहेगा। अच्छा अब भोजपुरी अब हमने के बानी से जी जी बिल्कुल, जब भोजपुरी के बात आ जाला तो सीना में जोन बाटे वो अलग ही फील हो जाला, जोन मेन पहचान बा उहे बा। तब खाटी गायकी जब कइल जाला तो थोड़ा सा सुर, जैसे कि हिंदी के गायकी जो है मंद्र से गावत रहनी, अब एक बार जब भोजपुरी के बात आये तो पूर्वी के आई एक सुनाओ तनी। और ई गाना बा दहेज प्रथा के लेके आज के डेट में चल रहा बाटे, जोन 10 लाख 20 लाख दहेज दो तब जाके हाँ, तो लड़की के माई या लड़की के बाबू जी के तरफ से कहना में का बाटे आई व्याख्या में हम सुनाओ तनी हुआ के। बेटी ले जई है हमरो हो, बेटी ले जई है हमरो काढ़ी के करे जी है रे, बेटा लोगबा की है रे, बेटा लोगबा ऊपरा से मांगेला दहेज है रे, बेटा लोगबा मातारी कहतरी लड़की के कि बेटा के घरे बेटी भोजन बनाई है, अब बरसन के बेटी टहल बजी है, आँखी के पुतरिया रे हमरो, आँखी के पुतरिया हम ता कैसे दे बो तेज है रे, बेटा लोगबा
ऊपर से मांगेला दहेज, हाय रे बेटा लोगवा। दहेज प्रथा के ऊपर इतना अच्छा आपने गीत गाया। दहेज पे तमाम तरह के जो है क्राइम भी आजकल होता है, बेटियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, भ्रूण हत्याएं हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर बेटी हो रही है ज्यादा, दो चार बेटियां हो रही हैं, तो लोग सोचता है कहां से शादी करेंगे, दहेज देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो है भाव जो है कभी हमारे लिखे तो बहुत ही अच्छा। मैं कभी भी कहीं मंच पे जाता हूँ, पूर्वी का अगर कोई फरमाइशी होता है तो मैं इस मंच पे जो है ये जरूर मैं सुनाता हूँ। भले पब्लिक का भी मैंने दूसरे मिजाज में सुने के चाहला है स्टेज पर, मगर कलाकारों के अपन फर्ज बनेला कि हम जो सुनाए सुने के पौरी। मगर एकनी के जब कहो दी कि हे भैया आई ना हुए हो।